अस्सलामुअलैकुम, मैं एडवोकेट साहिल हसन, जनरल सेक्रेटरी अवामी इंसाफ मूवमेंट। आज हम लोग उस्मान अलहाजी साहब के साथ बकबोर्ड आए हैं कोली मस्जिद के ज़मीन के सिलसिले में, जो मुसलसल बकबोर्ड उसकी पैरवी सही तरीके से नहीं कर रहा, इसकी वजह से हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन मुसलमानों की जो है, जो गरीब मुसलमान के लिए, उनके फ़ायदे के लिए वक्फ की गई है, ये ज़मीन मुसलमानों के हाथों से निकलती जा रही। इसीलिए कई बार रात से पहले भी हम कई बार यहाँ पे आ चुके हैं और आज फिर आए हैं। हम ये पूछने आए थे, आज हम सीईओ से मिले हैं और उनसे बात किए हैं और उनसे पूछे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों ये ज़मीन का फैसला नहीं हो रहा, और अगर जहाँ पे फैसला हो रहा है वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों जा रहा है। तो सीईओ साहब आज हमारे यकीन दिलाए हैं कि वो सही काम करेंगे, जहाँ पर भी गलती हो रही है उसको ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोली मस्जिद की ज़मीन, जिस पे लैंड ग्रैबर्स कई तरीके के बिजनेस शादीखाने वगैरह बना चुके हैं, वो तो जुड़ाकर मुसलमानों को वापस दिलाएंगे, जिससे गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। उनकी बात को यकीन करके हम उनसे मिलकर बाहर निकले हैं। इंशाल्लाह चंद दिन में हमारे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा, अगर सही तरीके से चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, हालात अगर ऐसे ही रहते हैं, तो फिर हम इसको हम एक मास मूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे। हम वकीलों को जमा करेंगे, सोशल मूवमेंट, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एनजीओज़ है, सब मिलकर फिर एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो और ज़्यादा ज़मीनें ख़राब ना हो। इस ज़मीन को भी वापस लेंगे, अल्लाह चाहे तो बाकी के ज़मीनों को भी वापस लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे भी दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।